हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कंचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं इंडियन मशरूम रेसिपी। देसी मशरूम है जो सीजन में ही आपको मिलते हैं। ये मशरूम में काफ़ी मेहनत है, काफ़ी ज़्यादा इसको साफ करना पड़ता है अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगे हुए रहते हैं। तो उसमें साफ मशरूम को मैंने साफ करके अच्छे से और इसको मैंने काट के धो के रखा है। तो मशरूम रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे। इसमें हम डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लगभग एक बड़ा चम्मच ऐड किया है। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरा भून जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को काट कर ऐड कर दिया है। और प्याज भून जाने के बाद फिर हम डालेंगे टमाटर। तो दो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और टमाटर को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और टमाटर प्याज को सॉफ्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे नमक। तो अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड करें, और नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे प्याज टमाटर के साथ, ताकि प्याज और टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज टमाटर को हमें इसी तरह करके भून के ही फ्राई करना है। तो प्याज टमाटर को हमें इसी तरह मिलाते हुए एकदम अच्छे से पका लेना है, ताकि एकदम गल जाए। और अच्छे से पकाने के लिए और प्याज टमाटर को गलाने के लिए हम यहाँ पर दो मिनट के लिए उसको ढकेंगे, और फ्लेम को हम लो रखेंगे। दो मिनट के बाद फिर हमें ढक्कन हटा के प्याज टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, ताकि एकदम पेस्ट के रूप में आ जाए। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर हल्दी, ताकि अच्छा सा कलर हमें दिखे। अब हल्दी को भी हम मिला लेंगे। हल्दी को मिला लेने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मसाला। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सिलपट्टे पे पिसा हुआ मसाला, जिसमें गोलकी, जीरा, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक है, जिनको मैंने एक साथ पीस के पेस्ट बना लिया है। मसाले को भी हम प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला के फ्राई कर लेंगे। और ये मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम। तो ये हमारा देसी मशरूम जो आपको सीजन में ही मिलते हैं। ये आपको खेत किनारे, खेत खलिहान में आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ये बड़ा वाला मशरूम है जो अम्ब्रेला जैसा, छाता जैसा निकलता है। तो काफ़ी टेस्टी लगती है ये मशरूम। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके फ्राई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मशरूम था, लेकिन ये गल के एकदम थोड़ा सा हो जाता है, कि इसकी जो क्वांटिटी देखने में लगती है उसका आधा भी ये नहीं रहता। तो इसी तरह अच्छे से मिलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। और इसमें पानी आपको ज़रूरत, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आपका ऑलरेडी पानी निकलने लगता है। जैसे ही मशरूम गलेगा वैसे ही पानी इसका ज़्यादा निकलते जाएगा। जितना मशरूम गलेगा उतना ही ज़्यादा आपको पानी निकलेगा। तो देख सकते हैं हम लोग ने थोड़ा सा भी पानी यूज़ नहीं किया था। जो मसाला में था, मसाला में जो पानी था हमारा, उसको हमने फ्राई करके ड्राई कर लिया था। और अभी देख सकते हैं मशरूम में कितना ज़्यादा पानी निकला है। तो इसको भी हम इसी तरह भूनते भूनते एकदम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग पानी हमारा सूख चुका है, जो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है उसको भी हम लोग थोड़ा सा और दो तीन मिनट के लिए इस तरह मिलाते हुए एकदम ड्राई कर लेंगे। लगभग ये हमारा मशरूम रेसिपी रेडी है। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। इसमें आप चाहें तो ऊपर से गरम मसाला डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो हरी धनिया पत्ता या फिर कसूरी मेथी से आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा मशरूम एकदम ड्राई हो चुका है, जो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है इतना हम रहने देते हैं। तो ये रेसिपी हमारी बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।